नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जल्दी बेंजो सीखने के कुछ तरीके बताने वाले हैं। YouTube पे आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे जिसपे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने आपको बेंजो सिखाने का कोशिश किया है। उसमें से कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेंजो जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हमको दोनों हाथ से बजाना पड़ता है, यानी कि एक हाथ से हम पत्ती स्ट्राइकर चलाते हैं और एक हाथ से हम बटनों को दबाते हैं, ठीक है। पियानो पे हम एक ही हाथ से बजा सकते हैं, हालांकि कॉर्ड के लिए उसमें भी एक हाथ का उपयोग होता है। बाकी यहाँ पे हम दोनों हाथ अगर अच्छे से चलाएं तो ही हम बेंजो को अच्छे से बजा पाते हैं। दिक्कत आदमी को इस पे आता है कि सब लोग हारमोनियम या पियानो सबसे पहले राइट हैंड से सीखते हैं, उसके बाद लोग समझते हैं कि हम राइट हैंड से पियानो बजा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से हमें फिर बटन पे इस पे मतलब फोकस कर पाना मुश्किल होगा और इधर से पत्ती चला पाना मुश्किल होता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आदमी को इसी में आता है कि वो अपना लेफ्ट हैंड बटन पे नहीं चला पाता और राइट हैंड पत्ती पे नहीं चला पाता। तो पत्ती चलाने का भी तरीका होता है, तरीका आपको कई सारे लोगों को पता भी होगा और जिनको पता नहीं होगा बताता हूँ। कई लोग जैसे कि वीडियोस में देखे होंगे, मैंने बताया था कि ये पत्ती को आप तीन चार तरीकों से चला सकते हैं। अगर आप शुरू में सीख रहे हैं तो पत्ती को सिर्फ अपने तरफ खींचिए, अगर आप थोड़ा बहुत और सीख गए तो पत्ती को ऐसे भी करके बजा सकते हैं, अगर आप और ज्यादा सीख गए तो पत्ती को ऐसे करके भी बजा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक गाना बजाते हैं, इस पे हम दोनों तरफ बजा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बजा सकते हैं। अभी इसी को आप शुरू शुरू सीख रहे हैं तो अपने तरफ खींच के बजाएंगे तब कैसे बजेगा, इस प्रकार, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से इसको बजा सकते हैं पत्ती को, और जितना अच्छा आप पत्ती को चलाएंगे उतना अच्छा आपसे बेंजो बजेगा। तो सबसे ज्यादा हमको फोकस करना है पत्ती चलाने के ऊपर। तो पत्ती कैसे चलाए इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया था जिसको आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं शॉर्टकट तरीका क्या है बेंजो सीखने का। मेन टॉपिक हमारा ये है कि बेंजो सीखने का शॉर्टकट तरीका क्या है। तो देखिए यार, आपको अलग अलग तरीके से बेंजो सिखाया जाता है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि सरगम करके सीखिए, कई लोग बोलते हैं कि ट्यूटोरियल देखकर सीखिए, कई लोग बोलते हैं जैसे बेंजो पे एक ट्यूटोरियल जो होता है, जैसे हम कोई गाना आपको बता रहे हैं तो इस बटन को दबाएं फिर इस बटन को दबाएं फिर इस बटन को दबाएं तो वो गाना बजने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सीख सकते हैं। बाकी मुख्य जो तरीका होता है वो तो आप सरगम को मतलब ध्यान में रखते हुए सीख रहे हैं, वो मुख्य तरीका है। बाकी आपको शॉर्टकट सीखना है या अगर आप सरगम को जानते हैं, जैसे सारे गामा पद है नहीं मैं आपको बताऊंगा तो बेंजो पे कौन सा होता है, अगर यहां से देखें, ठीक है, सारे गामा पद है नहीं हो गया। अब हम जान गए सारे गामा पद नि हम जान गए कि ये सारे गामा पद नि सा नि ध प म ग रे सा। अब इसको हम बजा ले रहे हैं, कई सारे अलंकार कर रहे हैं फिर भी हमसे गाना नहीं बज रहा है। तो अब हम सोचेंगे कि हमको अलंकार सिखाया जाता है, यही अलंकार है, ठीक है। सारे गामा पद नि सा स्वरों के समूह को ही अलंकार कहते हैं। तो ये हमारा एक स्वर का समूह हो गया, अब ये अलंकार है सारे गामा पद नि सा। इसको हम जान गए सारे गामा पद नि सा, ये अब हम इसमें गाना कैसे बजाएंगे, ठीक है। तो ये एक माध्यम होता है सीखने का। जैसे हम बेंजो पे देख रहे हैं तो सारे बटन हमको एक तरह से लग रहा है, ठीक है। अभी हमको कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा बटन क्या है। तो जैसे कुछ जो सिखाने वाला है वो हमको अगर कोई गीत का सरगम बताता है, जैसे परदेसी परदेसी, तो परदेसी परदेसी, ठीक है। अब परदेसी परदेसी, अब वो हमको बता रहा है परदेसी परदेसी, और वो हमको अगर नोटेशन बताता है जैसे ग रेसा तो वो बताएगा गर ऐसा, अगर हम बजाते हैं तो वो परदेसी परदेसी बजेगा। तो हमको पता ही नहीं रहेगा गर ऐसा कौन सा है तो हम कैसे बजाएंगे। इसीलिए आपको नोटेशन को बताया जाता है, सारे गम पद नि सा सीखिए, कंठस्थ कीजिए, ताकि जब भी कोई आपको नोट्स बताए कि आपको स प ध या सा ग प बजाना है तो आप आसानी से सा ग प बजा पाए, ठीक है। तो इसलिए हमको सारे गम पद नि सा सिखाया जाता है। अब काफी सारे गीत का आपको नोट्स मिल जाएगा, माध्यम यही है जो इंस्ट्रूमेंट को सीखने का कि हम नोट्स के माध्यम से सीखें, यानी कि हम किसी भी गीत के नोट्स को देखें
जैसे कोई भी गीत है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, तो हम सारे जहां से अच्छा ऐसे बोलेंगे या सारे जहां से अच्छा, तो इसका नोट्स चेंज हो जाता है। जैसे हम सारे जहां से अच्छा वो सब देख ही है, लेकिन सारे जहां से अच्छा तो हम ये बोल रहे हैं। अब ये सारे जहां से अच्छा हुआ, अब आपको नोट्स बताया जाएगा। तो कोमल ग से आपको चालू करना है, ऐसे बोलेंगे तो सारे कोमल ग, तो कोमल ग से हम चालू करेंगे। इस प्रकार से आपको नोट्स के माध्यम से सिखाया जाता है, ताकि आपको जब भी कोई गाना बताया जाए तो नोट्स को वो बोले और आपको समझ में आ जाए कि यहां से गाना चालू होगा, और नोट्स को वो बता दे कि कोमल ग रे सा और ये नी में ये बजेगा करके, ठीक है। तो आप फिर इसी नोट्स को लेकर के इस गाने को आप बजाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो नोट्स होता है वो एक माध्यम होता है, इसीलिए हमको सारे गा पा ध नि सा को सिखाया जाता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है? शॉर्टकट तरीका ये होता है कि मैं आपको बता दूंगा, ये हमारा सा है तो ये हमारा पहला बटन है, दो तीन चार ऐसे में बटन को देख दूंगा, और उसके बाद इस बटन इस बटन इस बटन कैसे दबाओ, ये शॉर्टकट तरीका हो गया। बाकी आपको अगर अच्छे से सीखना है तो नोट्स के माध्यम से सीखिए, सारे गा पा ध नि सा को ध्यान में रख के, ठीक है। ये हो गया। अभी जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट चीज बताया कि कोई भी गाना होता है उसका नोट्स होता है, कोई भी गाना हो, जैसे हम परदेसी परदेसी, अब जाना नहीं आपसे होगा नहीं, ठीक है। अगर परदेसी परदेसी हो गया और जाना नहीं आपसे बज नहीं पा रहा है, सारे सा ध, ठीक है, सारे सा ध, तो मैं आपको बोलूंगा जाना नहीं अगर आपसे हो नहीं रहा है तो मैं आपको बोलूंगा सारे साधा, जाना नहीं मतलब सारे साधा। तो आप अगर सारे गामा को जानते रहेंगे तो मैं आपको बोलूंगा सारे साधा बजाइए, तब वो जाना नहीं होगा, तो आप सीधा जाना नहीं सारे साधा। अब यहां पे मुख्य बात आता है सारे साधा, तो ये सारे साधा को अब पत्ति का मुख्य खेल आता है, जैसे कि गाना जैसे बजा है सारे साधा, ठीक है, ये सारे साधा जाना नहीं, तो हम जो गाना गा रहे हैं यानी कि जो गाना का बोल चल रहा है उसके हिसाब से हमको पत्ती को चलाना होता है, ठीक है। जाना नहीं तो हम इधर से जाना नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है, इधर तो हम हाथ चलाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन हमको पत्ती में भी जाना नहीं करना होगा। जैसे परदेसी परदेसी, हम पर देसी ये पत्ती पे हम बोलवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो तार होता है और पत्ती होता है, मुख्य खेल इसी का होता है, जो भी गाना चल रहा है हम इधर उस गाने को सेम टू सेम वैसे ही मारेंगे जैसे गाना चल रहा है, और हम अपना हाथ उसी नोट्स पे ले जाएंगे जिस नोट्स पे गाना बजा हुआ है। इसीलिए हमको सरगम को जानना जरूरी है, ताकि हम गाने के नोट्स को जब जान जाएं कि ये गाना इस नोट्स पे बजा है, तो उस नोट्स को हम इधर से बटन को इधर उंगली से प्रेस करें और जो गाना है वो हम उस गाने को सेम टू सेम ये पत्ती को गाने के जैसे चलाएं, ताकि हमारा जो बेंजो है वो क्लियर बोले। तो पूरा खेल इसी के ऊपर रहता है। आगे के वीडियोस पे हम और जानेंगे, बेंजो के बारे में और सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो पे हमने आपको फोकस कराया कि बेंजो को अगर आप शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल देखकर सीखिए, और अगर आप पूरा कंप्लीट बेंजो सीखना चाहते हैं तो आप सरगम के माध्यम से सीखिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इधर हमको पत्ती पे गाने के बोल के हिसाब से पत्ती चलाना है, और इधर हमको हाथ चलाना है, तो कोई भी गाने का नोट्स आप देख लीजिए, उसके बाद उस नोट्स के हिसाब से आप अपना हाथ चलाइए और इधर गाना के हिसाब से पत्ती चलाइए, बेंजो आपसे बजने लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।